सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल बैनर कैसे बना सकते हो सिर्फ 5 मिनट में अपने मोबाइल का यूज करके। क्योंकि गाइस आपके YouTube चैनल के लिए जो बैनर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना बैनर का जो आपका चैनल होगा वो एकदम बेकार दिखेगा, बोरिंग से दिखेगा, कोई भी न्यू विजिटर आएगा आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, बोलेगा भाई ये तो बेकार सा चैनल है। अगर यहीं पर आप एक प्रोफेशनल बैनर लगाते हो अपने YouTube चैनल पर तो आपका जो YouTube चैनल बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा और लोग आपके YouTube चैनल को बहुत ज्यादा जल्दी सब्सक्राइब करेंगे। तो आपको अपने YouTube चैनल पे एक प्रोफेशनल बैनर जरूर लगाना चाहिए। एंड आज के इस वीडियो में आपको मैं सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक बेस्ट बैनर कैसे बना सकते हो। और गाइस इसी के साथ साथ आप अपने YouTube वीडियो के लिए प्रोफेशनल थंबनेल बनाना सीखना चाहते हो, अपने चैनल के लिए लोगो बनाना सीखना चाहते हो, प्रोफेशनल बैनर बनाना सीखना चाहते हो अलग अलग टाइप के, तो स्क्रीन पे आप मेरे एडिटर का चैनल देख सकते हो। एंड मेरे चैनल की ये सारी चीजें वही करता है, थंबनेल, लोगो, यहां पर बैनर, ये सारी चीजें वही बना के देता है। तो इस चैनल के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको किसी भी चीज के ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए, अलग अलग टाइप का ट्यूटोरियल चाहिए तो भाई इस चैनल की वीडियो पे एक आपको कमेंट कर देना है एंड वहां पर आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा जिससे आप सीख सकते हो और अपनी YouTube वीडियो के लिए बेस्ट थंबनेल बना सकते हो। एंड गाइस सारी चीजें मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बताने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं क्या साइज रखना है, किस तरीके से आपको एडिट करना है एंड जो भी मैं मटेरियल यूज करूंगा वो भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, किस तरीके से मिलेगा आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा, जिससे आप इजी तरीके से अपने बैनर को डिजाइन कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, सब कुछ आपको बताते हैं किस तरीके से आप एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने बैनर के साइज की, क्योंकि काफी सारे लोगों को साइज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। वो बैनर तो बना लेते हैं लेकिन वो बैनर अपने चैनल पर लगाते हैं तो वो फिट नहीं बैठता है। तो सबसे पहले मैं आपको साइज बता देता हूं। तो यहां पर मैं एडिट पे जाता हूं, एडिट पे जाने के बाद यहां पर आप बैनर देख सकते हो, पीछे मेरा कोई भी बैनर नहीं लगा है। यहां पर मैं कैमरे पे क्लिक करता हूं, यहां पर मैं गैलरी पे क्लिक करता हूं और एक यहां पर मैं फोटो सिलेक्ट कर लेता हूं। तो गाइस थोड़ा सा मैं आपको साइज के बारे में बता देता हूं। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो इस टाइप का यहां पर आपको दिख रहा है, यही साइज में आपको बैनर बनाना है। मतलब आपको यहां पर छोटा सा यहां पर दिखता होगा, इसी में आपको डिजाइन करना है, जो भी आपको डिजाइन करना है। अगर आप पूरे में डिजाइन करते हो तो ये टीवी के लिए होता है एंड अगर आप इतने एरिया में अगर आप डिजाइन करते हो तो ये आपका लैपटॉप या कंप्यूटर या डेस्कटॉप के लिए होता है, लेकिन यहां पर अगर आप डिजाइन करोगे तो ये आपके मोबाइल के लिए होता है। तो आपको यहां पर ही डिजाइन करना है एंड जो मैं आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं वो आपको यहीं पर डिजाइन करके मैं दिखाने वाला हूं ताकि आप अच्छे तरीके से अपने मोबाइल में सेट कर पाओ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको यहां पर पिक्सेल ऐप की जरूरत पड़ेगी, पिक्सेल ऐप को आपको सिंपल ओपन कर लेना है एंड इसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन पे जाना है एंड इसके बाद आपको अपने बैकग्राउंड को इस तरीके से ट्रांसपेरेंट कर लेना है एंड यहां पर आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाके आपको यहां पर एक इमेज साइज मिलेगा, इस पे जाना है एंड इस पे जाने के बाद आपको यहां पर एक यूट्यूब चैनल बैनर मिल जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है एंड ओके कर देना है। एंड ओके करने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। एंड गाइस जो भी मैं मटेरियल इसमें यूज करूंगा वो सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा एंड सिंपल आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे सचिन मौर्य फ्री प्रमोशन तो आपको वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है एंड सारी की सारी चीजें आपको वहीं मिल जाएंगी ताकि आप अच्छे तरीके से बैनर बना पाओ, क्योंकि इसमें जो चीज मैं यूज करने वाला हूं वो वहां पर आपको मिल जाएगी और आप इजी तरीके से बैनर बना पाओगे। तो सिंपल मैं अपनी गैलरी में जाता हूं, गैलरी पे जाके यहां पर मैं एक टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूं जो मेरे बैनर का साइज होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने एक यहां पर बैनर का जो साइज वाला टेम्पलेट है उसको सिलेक्ट कर लिया एंड इसको मैं यहां पर फुल कर लेता हूं। तो यहां पर मैं इसको फुल कर लेता हूं, यहां पर आपको एक साइज मिल जाएगा रिलेटिव पोजीशन एंड इस पे आप क्लिक करोगे तो इसको सिंपल आपको फुल कर लेना है एंड यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आपको यहां पर अंदर डिजाइन मिल रही है जैसे यहां पर आप देख सकते हो जो आपको एक थोड़ा सा यहां पर ब्लैक ब्लैक कलर का यहां पर साइज मिलता होगा, इसी साइज में आपको यहां पर जो भी कुछ एडिट करना है वो करना है, अपना बैनर यहां पर आपको डिजाइन करना है। तो सिंपल आपको इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको लॉक कर देना है, लॉक कर देंगे तो ये हिलेगा नहीं एंड फिर आपको यहां पर क्या करना है, यहां पर फिर आपको इंपोर्ट पर जाना है एंड यहां पर आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है, ये भी बैकग्राउंड आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो सिंपल आपको थोड़ा सा इसको कस्टमाइज कर लेना है एंड थोड़ा सा यहां पर आपको इस तरीके से इसको घुमाना भी है, थोड़ा सा यहां पर आपको पहले सेट कर लेना फिर थोड़ा सा इस तरीके से आपको, आप बहुत इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ये सेट हो जाए आपको हाफ में रखना है, मतलब आपको हाफ में रखना है, आप हाफ में दूसरा कलर यूज करना है। तो इस तरीके से मैंने सिलेक्ट कर लिया, आप दूसरा यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, दूसरे को भी मैं इसी तरीके से कस्टमाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से मैं इसको भी कस्टमाइज कर लेता हूँ। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो आपकी ब्लैक लाइन है इसके बीच में ही आपको एडिटिंग करनी है ताकि आपका ये मोबाइल में अच्छे तरीके से फिट बैठ पाए और आप जो एडिटिंग इसमें करो वो शो हो पाए। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखना क्या है। तो भाई आप
अपने चैनल का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हो, आप जो भी मतलब आपके चैनल का जो भी नाम हो वो लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल अपना नाम लिखने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं सचिन लिख देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसका स्पेस इस तरीके से भी इधर से भी कर देता हूँ, उसको मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ पर फॉन्ट पर जाना है, फॉन्ट पर जाने के बाद आप अपने हिसाब से एक अच्छा फॉन्ट रख सकते हो, आप कोई भी स्टाइलिश फॉन्ट रख सकते हो, लेकिन वही सारी चीज़ें हैं, आप अपने हिसाब से अपने तरीके से एक बैनर बनाओगे, लेकिन मैं बनाना आपको सिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको फॉन्ट इस तरीके से आपको कस्टमाइज कर लेना है। अभी आपको फिर आपको फॉन्ट में जाना है, यहाँ पर आपको कई सारे फॉन्ट मिल जाएंगे, आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो, तो जो भी आपको अच्छा फॉन्ट लगे, जो फिट वैडिया है इसमें अच्छा दिखे, वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब बात कर लेते हैं इसके कलर की। तो कलर में आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर हाफ में आपको अलग कलर करना है और हाफ में आपको दूसरा कलर करना है, दोनों अलग अलग कलर होना चाहिए ताकि ये अच्छा दिखे, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा अलग अलग है तो कलर भी हमारे अलग अलग होना चाहिए। तो मैंने दोनों कलर इस तरीके से यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर मैं क्या यहां पर कॉपी पर जाता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, फिर इसके मैं कलर पर जाता हूं, कलर पर जाने के बाद इसको क्या करता हूं, मैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लेता हूं। यहां पर इस तरीके से आप इसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहां पर मैं स्टॉक पर जाता हूं, स्टॉक पर जाने पर यहां पर मैं व्हाइट स्टॉक कर लेता हूं, यहां पर व्हाइट कलर करता हूं, इसको व्हाइट कलर कर लेता हूं, तो ये अच्छा तरीके से दिख जाएगा, क्योंकि हमारा जो बनने वाला है एक एक्सट्रीम लेवल का बनने वाला है। अब इसका साइज जो है हम उसको छोटा कर लेंगे, पहले इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, क्योंकि फॉन्ट अलग अलग अगर आप करोगे तो काफी ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहां पर थोड़ा सा हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको हम इस तरीके से कस्टमाइज कर लेते हैं। अब हमने इसको इस तरीके से कस्टमाइज कर लिया और ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ इसकी कॉपी पर, और कॉपी पर जाने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ, इसके कलर पर जाता हूँ, उसको वाइट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको वाइट कर लिया और वाइट करके अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, स्टॉक बढ़ा लेता हूँ, जो स्टॉक था इसका वो मैंने इसको हटा दिया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके फॉन्ट की, फॉन्ट पर जाके हम क्या करते हैं इसका भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से फॉन्ट रख सकते हो, जो भी आपका फॉन्ट अच्छा दिखे वो आप रख सकते हो, काफ़ी सारे आपको फॉन्ट मिल जाते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा इस तरीके से कस्टमाइज कर लेते हैं। हमें ये तीन बार कॉपी करना है, मतलब एक हमारा जो सबसे ज्यादा बैकग्राउंड में रहेगा, एक हमारा सिर्फ मतलब उसका स्टॉक रहेगा, और दूसरा जो हमारा तीसरा जो होगा वो सबसे छोटा रहेगा। अब इस तरीके से हम इसको कस्टमाइज कर लेते हैं, इसको शैडो दे देते हैं ताकि ये अलग सा दिखे। तो यहाँ पर हमने इसको शैडो दे दिया और यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपका बैनर होगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर तो कर लिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अपने फ़ोटो की। तो फोटो पे नहीं, पहले हम इसके डिज़ाइन डालेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन दिखाई थी, तो इसको हम पहले डालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस डिज़ाइन को थोड़ा सा कट कर लेना। ये डिज़ाइन भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, इसका भी आप यहाँ पर डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं, इसको हमें पहले थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि ये अच्छे तरीके से दिखे, मतलब एक ओर से जाए और दूसरे ओर से निकल के आए और अच्छा दिखे, 3D वाला हमें दिखे। तो यहां पर देख सकते हैं मैंने इस तरीके से कर लिया। अब इसको क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। यहां से आप कस्टमाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे करके जो भी चीज नीचे करनी है उसको नीचे कर सकते हो, जो भी चीज ऊपर करनी है उसको ऊपर कर सकते हो, मतलब यहां पर आप टू फ्रंट टू बैक का यहां पर कर सकते हो। तो हमने क्या किया है, यहां पर दो हमारे जो मतलब फॉन्ट है उसके नीचे हम ये सारी चीजें रखेंगे, जैसे हमारे दो फॉन्ट ऊपर रहेंगे, बाकी तीसरा वाला जो फॉन्ट है वो नीचे ही रहेगा इसके। तो हमने क्या किया, इसको भी इसी तरीके से कर लिया। अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, दो फॉन्ट के नीचे कर देते हैं। अब यहां पर दो सचिन के नीचे हमारा हो गया। अब इसको एक बार और कॉपी करते हैं, और कॉपी करने के बाद क्या करते हैं, हम इसको ऊपर जो यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो, इसको हम साइड में करेंगे। थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से इसको साइड में रख लेते हैं ताकि ये पूरा दिखे कि इधर से आ रहा है, इधर निकल के इधर जा रहा है। तो हमने तीनों को यहाँ पर इस तरीके से सेट कर लिया है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं भाई। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने फ़ोटो को लगाते हैं। तो फोटो आप कोई भी लगा सकते हो, आप चाहे लगाओ नहीं लगाओ वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप लगा लोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो को भी इस तरीके से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेते हैं। और जहां पर आपके दो कलर हैं मतलब एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहीं पर आपको अपना फोटो लगाना है ताकि इस साइड का कलर अलग हो और इस साइड का कलर अलग हो, काफी अच्छा दिखेगा। तो यहां पर मैं इस तरीके से इसको कस्टमाइज कर लेता हूं और थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूं। यहां पर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, आप अपने हिसाब से इसको नीचे करिए। तो यहां पर देख सकते हैं भाई मैंने इसको कर लिया। अब यहाँ पर इसकी जो सेट हो वो बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा हम इसका इस ऑफसेट एक्स इसका बढ़ा देते हैं और ऑफसेट वाइट भी इसका बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेट हो हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें एक वाइट स्लाइड लेनी है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जाना है प्लस के आइकन पर, इसको कैंसिल कर देता हूँ, प्लस के आइकन पर जाना है। यहाँ पर आपको एक वाइट स्लाइड ले लेनी है, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेना है, इसका कलर ब्लैक कर देना है। अब ब्लैक करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको इसको भी सबसे नीचे यहाँ पर बैक में कर देना है। अब जैसे आप बैक में कर दोगे तो भाई ये सारा का सारा ब्लैक हो गया, इसको
थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी कम कर देना है ताकि ये थोड़ा सा मतलब धुंधला धुंधला सा ही दिखे और हमारा जो ऊपर का जो फॉन्ट है वो एकदम क्लियर दिखे, पीछे का थोड़ा सा शेडो वाला दिखे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कस्टमाइज़ कर लेना। आप कलर भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, जो आपके कलर हैं उनको भी यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पर कस्टमाइज़ किया, आप भी इसी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर आप इंस्टाग्राम की आईडी देना चाहते हो या किसी और चीज़ की आईडी देना चाहते हो तो सिंपल आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। और टाइप करने के बाद यहाँ पर जैसे मैं सचिन मौर्य यहाँ पर लिख देता हूँ और स्पेस इसका हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा ए दिख रहा है सचिन का, यहाँ पर मैं इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस साइड में करके इसको कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हो भाई ये, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखेगा और अगर आप बैनर पर लगाओगे तो ये क्लियर दिखेगा, बिल्कुल क्लियर दिखेगा क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी में बन रहा है। ये यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से मैं थोड़ा इसको कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देख सकते हो हमारा जो बैनर है वो रेडी हो चुका है। अब सिंपल आपको कर लेना है इसको सेव। अब मैं इसको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर लेता हूँ। एंड इसके बाद मैं जाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर एंड यहाँ पर मैं जाता हूँ एडिट पर। एडिट पर जाके यहाँ पर फिर से मैं आइकन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं गैलरी पर क्लिक कर देता हूँ। गैलरी पर क्लिक करने के बाद मैंने जो सेव किया है वो मेरा यहाँ पर आ चुका है। एंड इसके बाद क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो कि भाई ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, यहाँ पर जूम आउट जूम इन कर सकते हो। लेकिन हमने एक अच्छे साइज़ में बनाया है तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब सिंपल आपको इसको सेव कर देना है। अब जैसे ही आप सेव कर लोगे थोड़ा सा बस आपको वेट करना है, यहाँ पर आपका जो होगा वो इस तरीके से अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई अपडेट मेरा हो चुका है। अब देखो भाई कितना अच्छा यहाँ पर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो। तो यार यहाँ पर वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। आप अलग अलग डिजाइन के बना सकते हो। जो मैंने आपको चैनल दिया है वहाँ पर आपको कई प्रकार के बैनर का ट्यूटोरियल मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख कर सीख सकते हो, अपने चैनल के लिए बेस्ट बैनर बना सकते हो। सो गाइस देखा आपने, इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल बैनर बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा इजी तरीके से। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।